जय श्री राम। वीडियो छोटी होगी लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, वीडियो को मिस ना करिएगा। मैं बात करता हूँ, आज हमारे पास दो डायना हमने रखे हुए, दोनों डायना कूलर की मोटर की होती है, जो कि कूलर आप लोग घरों में यूज़ करते होंगे, वो आपकी किसी भी कैटेगरी से हो सकती है, जैसे आपका बजाज का भी हो सकता है, उषा का भी हो सकता है, हैवेल्स का भी हो सकता है, केन स्टार का भी हो सकता है, बाय द वे अदरवाइज किसी भी कंपनी की हो सकती है। तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि मोटर को कैसे चेंज की जाती है, आखिरकार कहाँ से मिलती है और कितनी प्राइस होती है। आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर के चेकआउट कर लेना, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आपको एक चीज़ ये बताऊँगा कि कूलर की सबसे सीक्रेट, जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ये दो डायना मैं इसलिए आपके लिए आपके सामने रखा हूँ ताकि मैं ये चीज़ आपको कन्फर्म से बता सकूँ कि ये चीज़ भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। डायना में भी बहुत सारी लॉजिक होती है, क्या होगी लॉजिक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तो ये बताऊं कि आप लोगों ने आज तक जितनी भी पंखे देखी होगी सब क्लॉक बैक घूमती हुई देखी होगी, यानी कि घड़ी की सुई के अनुसार घूमती हुई देखी होगी। पंखे होगी आपका सीलिंग फ़ैन हो, स्टैंड फ़ैन हो, सारी की सारी फ़ैन होंगी जो कि आपको क्लॉक बैक घूमते हुए देखा होगा, लेकिन कुछ पंखे ऐसे होते हुए जो कि एंटी क्लॉक बैक घूमती है। तो उस सिचुएशन में क्या हम लोग क्या करते हैं मैकेनिक, बाय द वे आपकी फ़ैन जो होगी एंटी क्लॉक बैक घूमने होती है, जो कि कंपनी का डाटा होता है जो कि एंटी क्लॉक बैक घूमने होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि बाय द वे किसी कारण बस उसकी अगर डायना ख़राब हो गई तो एंटी क्लॉक बैक डायना जल्द नहीं मिलती है। जैसे इसका बात करूँ तो ये क्लॉक बैक डायना है, जैसे बात करूँ तो ये डायना ऐसे मोमेंट करेगी तो ये क्लॉक बैक डायना है, या आपको अदरवाइज फाइव ब्लेड में भी लगी हुई मिल जाती है, लेकिन ये स्पेशल कूलर की होती है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होती है, तो ये आपको ऑलरेडी पंखे वगैरह में लगी हुई मिल जाती है जो कि क्लॉक बैक घूमती है। लेकिन जो एंटी क्लॉक बैक डायना होते हैं, ऐसे देखो ये एंटी क्लॉक बैक डायना होते हैं, ये ऐसे घूमते हैं, जैसे घड़ी की सुई ऐसी होती है लेकिन ये कुछ ऐसे घूमते हैं। तो देखो कैसे कुछ सिचुएशन में ऐसे होते हैं जो कि मान लेते हैं जैसे कंपनी आपको एंटी क्लॉक बैक डायना लगा करके दी हुई है, डायना आपकी नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन में कनेक्शन, बाय द वे अगर आपने मोटर को रिबेंड किया हुआ है तो उस सिचुएशन में तो आप डाटा चेंज कर सकते हो और उसको क्लॉक बैक में घुमा करके ये वाला डायना लगा सकते हो। हालाँकि दोनों की दोनों डायना आपका कूलर का ही होता है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूँ कि भाई साहब अगर आप कूलर का मोटर चेंज कर रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर चेकआउट कर लेना कि उसकी जो डायना होगी या मोटर की जो मोमेंट होगी वो आपका एंटी क्लॉक बाइक है या क्लॉक बाइक है। क्योंकि क्या होती है, जब बाय द वे मान लेते हैं अगर आपने न्यू मोटर परचेस कर लिया हुआ है, डायना आपका क्लॉक बाइक का है और आपका मोटर जो है एंटी क्लॉक बाइक है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम फंस जाएगी कि आपको मोटर का लूप चेंज करना है या आपका डायना चेंज करनी है। डायने का भी कॉस्ट बहुत आता है, जैसे ये बात करूँ तो ये 14 इंच की आपका कूलर का डायना हो जाता है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होता है और इसका प्रेशर का बात करूँ तो काफ़ी हाई होता है। ये भी आपका 14 इंच का ही है और ये भी आपका कूलर का ही होता है, लेकिन ये क्लॉक बाइक है और ये एंटी क्लॉक बाइक भी है। हम भी इसी चीज़ में उलझे हुए थे कि हमने भी एक कूलर का जो कि मोटर चेंज किया हुआ, जो कि आपके पिछले वीडियो में मैंने बताया, तो उस सिचुएशन में उसमें जो पहले डायना लगा था तो वो एंटी क्लॉक बाइक लगाना लगा था, लेकिन डायना ख़राब होने के कारण से हम डायना पर ध्यान नहीं दिए कि आखिरकार एंटी क्लॉक बाइक है या क्लॉक बाइक है, तो उस सिचुएशन में मैंने उस जगह पर आपका क्लॉक बाइक डायना लेकर के चला गया, जिसके कारण से हमको फिर से लेट होनी पड़ी और फिर से आ करके हमको दोबारा से इस वाले डायना को ले जा करके उस कूलर में इंस्टॉल करनी पड़ी। तो ये मेरा वीडियो बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप कूलर का मोटर चेंज कर रहे हो तो थोड़ा आप डायने पर भी ध्यान देना, मोटर की बनावट पर ध्यान देना कि आखिरकार वो एंटी क्लॉक बैक बनाई गई है या क्लॉक बैक बनाई गई है। दोनों मोटर और दोनों डायना ब्रांड में और मतलब मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। दूसरा चीज़ ये कि अगर एंटी क्लॉक बैक डायना में अगर इस टाइप की डायना अगर नहीं मिलती है तो आप इस टाइप का भी डायना ले सकते हो, दोनों का सेम कैटेगरीज होता है और दोनों की प्राइस जहाँ तक सेम ही होती है। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी जरूर बताना, अगर कूलर में फंसते हो तो एंटी क्लॉक बैक या क्लॉक बैक डायना लेना है जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भी प्रिंस, जय श्री राम।